तो हेलो एवरीबॉडी, तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा क्रिकेट। अगर जो लोग बोलेंगे क्रिकेट तो खेलने आता है, इसे मार, लेकिन ये गलत तरीका है। मैं सही तरीका बताऊंगा, जैसे आपको किसी वीडियो में देखने नहीं मिलता ना, जैसे कि बहुत सारे क्रिकेट के वीडियो होते हैं वो ठीक से नहीं दिखाते, तो मैं आज प्रैक्टिस करवाता हूँ, प्रैक्टिस का वीडियो दिखाता हूँ। तो ये है, एक बैट ले लेना है आपको, कोई भी प्लास्टिक का। अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो बॉलिंग का भी बाद में बताऊँगा, बैटिंग के बाद। तो अगर बैटिंग कर रहे हो तो पहले ऐसे करना है, अगर आप धीरे मारेंगे तो आपको लो लिफ्ट करना है। मतलब ये एक रूल होता है क्रिकेट में, अगर ये नहीं करेंगे तो आपको क्रिकेट खेलना नहीं आएगा। फिर ऐसे करेंगे, अगर बॉल आई तो हम लोग ऐसे मारना है, अगर बॉल आई तो हमें ऐसे नहीं मारना है, वरना हम आउट हो जाएंगे, क्योंकि इधर से हम लोग का पावर कम लगता है और इधर से पावर ज़्यादा लगता है। जैसे आपको मोस्ट ऑफ द क्रिकेट मैचेस देखना मिलेगा इंटरनेशनल, अगर आपको लंबा शॉट मारना है तो इसे रेडी रहना पड़ता है, और आपको जो पाँव है वो एकदम स्ट्रेट रखना होता है, जैसे ऐसे, और फिर टॉप पे लगा छक्का। इसमें आप धीरे भी मार सकते हैं। तो मैं अभी एक बार ट्राई करवाता हूँ। ये देखिए, ये रहा बॉल, ये रहा हाई बैक लोअर बैक लिफ्ट था, और मैं हाई बैक लिफ्ट दिखाता हूँ। एक सेकंड गाइस, अब ये रहा एक बॉल, अब मैं हाई बैक लिफ्ट ऐसे लंबा बॉल ठीक से अगर दिख रहा है तो लगा हल्का, और चौका भी इसमें लगा। एक बार और दिखा दूं गाइस, अगर आपको पुल मारना है तो आपको यहाँ से मारना पड़ेगा, इसे रोहित शर्मा का अगर आपको पता नहीं तो उनका वीडियो देख लीजिएगा कैसे पुल शॉट मारते हैं। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ बॉलिंग। लेट्स गो, गाइस ये प्लास्टिक बॉल तो मैं ठीक से नहीं दिखा पाऊंगा, तो यहाँ पे कुछ रबर जैसा बना होता है, इस पर ऐसे बॉल रखना अगर आपको फास्ट रखना है, अगर ऐसे आपको फेंकना है, अगर आपको स्पिन फेंकना है। मैं आपको एक बार फेंक के दिखाऊंगा, तो गाइस बॉल भुला गई। अगर आपको स्पिन फेंकना है तो आपको ऐसे फेंकना पड़ेगा। तो गाइस वो था आज का वीडियो, और कैसा लगा आपको कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू, बाय।